समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होला वैसने भई। बस देवा ओपी के भोजपुरिया समाचार एगो खबर देखले रहे जौना में बतैले रहे कि टूटल फूटल मकान में जौन बा सम्हारे खातिर कक्ष बटुए फिर निरीक्षण वार्ता कक्ष निरीक्षण ही में वार्ता होता करे खातिर बटुए व्यवस्था मालखाना मालखाना मतलब हर हथियार पुलिस लोग के हर हथियार जौन रही तौन यही में रखल जाए यही खातिर मालखाना बनाओ बटुए आ साथे साथ हर हथियार के अलावे मालखाना नए भवन में सर पुलिसिंग और बेहतर हो पाएगी सर सुविधा बेहतर है। जब पदाधिकारियों को पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधा मिलेगी तो जरूर उनके परफॉर्मेंस सर्वेलेंस कैमरा के लिए कक्षा आगंतुकों के लिए एकदम आधुनिक सुविधाएं हैं। महिला और पुरुष के लिए बैरक है। यहां तक कि दिव्यांगजनों के लिए भी शौचालय की सुविधा दी गई है। तमाम जो आधुनिक सुविधाएं संभव है वो सभी दी गई है। और मुझे लगता नहीं भोजपुरिया समाचार मेरा और स्वागत बटुए। बक्सर जिला के थाना अब चकाचक हो रहा बा। यही क्रम में बक्सर जिला के बसदेवा ओपी जहाँ गोली के तड़तड़ाहट से ही जगह जवन दिख सकत बढ़ुए गूंज उठत रहे। कबो नक्सली के गढ़ कहल जात रहे वो नक्सली के गढ़ में बसदेवा ओपी के निर्माण कैल गए ताकि नक्सलियन पर कब्जा कैल जा सके। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होला वैसने भई। बसदेवा ओपी के भोजपुरिया समाचार एगो खबर देखले रहे जौना में बतैले रहे कि टूटल फूटल मकान में जौन बा ई थाना चल रहा बटुए जहाँ सांप गुजर बिछी निकलत रहे वो थाना में जैसे तैसे क के अपन फर्ज के निभावे के काम हो जाके पुलिसकर्मी करत रहें। लेकिन अब एकदम 5 स्टार तो ना कहल जाए लेकिन अत्याधुनिक सुविधा से लैस वो में नहीं खे पंखे बटुए लेकिन 5 करोड़ के लागत से हमरा पीछे रोरा देख सकीला ई थाना भवन हटे मॉडल थाना बसदेवा ओपी जिला बक्सर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा निर्मित कर गए बटुए। ई मॉडल थाना हटुए जहाँ मॉडल तरीका से हर सुख सुविधा बटुए। शस्त्र के राखे खातिर अलग बटुए थानेदार के राखे खातिर अलग बटुए CCTV कैमरा के जौन पूरा देख रेख हुई ओकर अलग व्यवस्था कर गई बटुए। एकरा अलावे पूछताछ कक्ष छगल अलग बटुए। शस्त्र रखे खातिर शस्त्रागार के व्यवस्था अलग बटुए। CCTRS की अलग व्यवस्था बटुए का व्यवस्था बाई हमनी के देखल जाओ बिहार पुलिस के बनावल गई बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा बनावल गई ई नया चकाचक भवन के तनी सा हमनी के चल तनी जा साथे चली कैमरामैन से चाहब एक एक चीज दिखाई बोरा के कि का एकरा व्यवस्था बनावल गई बटुए। अभी हमनी के ये बनी जा जहाँ गोली के तड़तड़ाहट से एरिया जौन बा गूंजत रहे लेकिन आज यह क्षेत्र में जौन बा पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम बटुए। अभी हमनी के पहुँचत नहीं जाओ अभी SP साहब है जाके जो वर्तमान SP मनीष कुमार बानी एक उद्घाटन करे वाला बानी। लेकिन उद्घाटन से पहले देखा दी कितना सुंदर तरीका से सजावल गई बा वेलकम लिखल बटुए। SP साहब कुछ ही देर में आ जाए तब तक उद्घाटन हो लेकिन एक एक रूम में का व्यवस्था बा पूजा पाठ के व्यवस्था हो चुकल बटुए। थानाध्यक्ष नया थानाध्यक्ष चुनमुन कुमारी यही जाके नया थानाध्यक्ष बड़ी चुनमुन कुमारी बड़ी महिला हाजत बगल मनावल बटुए जहाँ महिला कैदी लोग के रखल जाई जे पकड़ाई अब पुरुष हाजत दाहिने साइड में बटुए जो कि पुरुष लोग रहे। अब हमनी के चल गया पहले हैं थानाध्यक्ष कक्ष की जौन बटुए थानेदार जो बटुए थाना के बसदेवा ओपी के ऊ कक्ष हटुए रोरा सामने से देख सकीला लाइन लिखल होगा चुनमुन कुमारी ई थानेदार में रही। हम देख चाहब कैमरामैन से कि देखाई कुर्सी थानेदार खातिर कितना व्यवस्थित ढंग से कि कुर्सी उर्सी लगा दिया गया आगे वायरलेस कंप्यूटर कक्ष एमे वायरलेस रही कंप्यूटर रही ताकि जौन भी डाटा बटुए FIR के कॉपी बटुए ओकरा के जौन बात देखा जाए। एकरा आगे हमनी के देखे जब आगे चल जाओ कि आगे का बटुए आगे CCTV सर्विलांस कक्ष अभी व्यवस्था या लेवल लिखे गई लेकिन ले आवल जाए CCTV या सर्विलांस के व्यवस्था एजा कोई जाए। एकरा बाद CCTNS जौन की ऑपरेटिंग होला जो CCTV लागे वो पटना से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेला यही में CCTNS ऑपरेटिंग काम चली। पुरुष शौचालय दिव्यांग शौचालय जो पैर से विकलांग बटुए शौचालय बनाओ भी अलग से महिला शौचालय अलग से बनाओ भी बटुए। आगे चली सामान्य कार्यालय सह सरिस्ता इस सरिस्ता हटुए सामान्य कार्यालय जहाँ पे फाइल रखाई बाबू उ लोग के उ सरिस्ता हटुए। अब ऊपर चल जाओ एक बार देखा जाओ लेकिन हमने चाहब कि दू गो और कक्ष बटुए एगो कक्ष बटुए बाल एवं महिला सुविधा कक्ष जहाँ महिलन के सुविधा खातिर कक्ष बनावल बटुए आगंतुक कक्ष आगंतुक जे आई गेस्ट जे आई
ओकरा खातिर भी कक्ष अलग से एगो तैयार कर गेल बटुए। अब तनि ऊपर चल के रोड़ा दर्शक लोग के हम देखाई कि का व्यवस्था यह 5 करोड़ के लागत से बनल भवन में कई गई बटुए, लगभग 5 करोड़ फायर के व्यवस्था कल गई बटुए, कहीं आगजनी हो गई तो ऐसे फायर के चालू करके एकरा के आग पे काबू पावल जा। फिर आगे चल जाओ आगे देखल जाओ कि का बटुए व्यवस्था कौना तरीका से अत्याधुनिक बिहार पुलिस के बनावल जा रहा है। अत्याधुनिक व्यवस्था बनावे के काम लॉ एंड ऑर्डर कक्ष या लॉ एंड ऑर्डर कक्ष यानी जो भी विधि व्यवस्था बाकरा के संभारे खातिर कक्ष बटुए। फिर निरीक्षण कक्ष, वार्ता कक्ष, निरीक्षण ही में वार्ता होता करे खातिर बटुए व्यवस्था। मालखाना, मालखाना मतलब हर हथियार, पुलिस लोग के हर हथियार जब रही तवन यही में रखल जाए, यही खातिर मालखाना बनावल बटुए। आ साथे साथ हर हथियार के अलावे मालखाना में जो जब्त माल हुई वो कुल सुरक्षित रखे खातिर मालखाना रखे बटुए। शस्त्रागार ई शस्त्र रखे खातिर, हथियार रखे खातिर बा जो भी जब्त माल रही ओकरा के रखे खातिर बटुए मालखाना। बगल में अनुसंधान कक्ष, जौन भी अनुसंधान हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, वो डायरी बनी एक में बैठ के बनी ताकि शांतिपूर्ण तरीका से संपन्न हो सके। आगे बा अभिलेख कक्ष, जौन भी अभिलेख रही, दस्तावेज रही ओकरा के रखे खातिर ये रूम बनाओ गई बटुए। आगे चल जाओ देखाई रूरा सबके तकनीक कक्ष, एकरा अलावे साक्षात्कार पूछताछ जे भी पकड़ाई उनका के पूछताछ करे खातिर यही कक्ष में देख चाहते रूरा सबके पकड़ाई की कर पूछताछ हुई देखा दे कैमरा मैन से चाह के दिखाएं। ये पूछताछ कक्ष रहू हो गई। अब आगे देखिए पुलिस शौचालय देखिए लेनी, एकरा अलावे एकरा ऊपर भी बाइक चल उहो देखावल जाए, महिला शौचालय साथे साथ सामान्य कार्यालय सह सरिष्ठा 2 लॉ एंड ऑर्डर, ये दू गो बटुए लॉ एंड ऑर्डर के ये सरिष्ठा 1 सरिष्ठा 2, सरिष्ठा 1 होने बटुए आ 2 धीरे धीरे कैमरा मैन से चाह की चलाई कैमरा आ ऊपर चल जाओ। तीन तला पे का व्यवस्था बा ई देखावल जरूर है। 3 तला थर्ड फ्लोर पे हमनी के चलो बन जाए, थर्ड फ्लोर पे देखल जाओ कि का व्यवस्था कोई भी हो। ये 5 करोड़ के लागत से बनल बिहार भवन निर्माण। महिला बैरक, इसमें जो भी महिला लोग रही उनका लोग खातिर बैरक बनाओ देवे बड़ा सा लंबा चौड़ा बेड लगा के आराम से महिला लोग में रह सकेला, ये महिला बैरक बनाओ देवे। चिकित्सा कक्ष, दवाई बीरो करे खातिर भी कक्ष बनाओ गए बटुए, कहीं इमरजेंसी सेवा पड़ल तो ओकरा के इसमें एडमिट कर जा सके। चलो आगे बटुए रौरा सबके भोजन कक्ष, भोजन कक्ष भी बनाओ गए बटुए में आ साथे साथ रसोई घर आ वो साइड भी रसोई घर महिला शौचालय। तो ये तरीका से 5 करोड़ के लागत से ये सुंदर भव्य भवन बनावल गई बा। आगे SP साहब उद्घाटन करब ओकरो बयान सुनाई भोजपुरिया समाचार से जुड़ल रही। उद्घाटन हुआ इस मौके पर आज मैं पुलिस प्रशासन को हार्दिक बधाई दूंगा, इतना अच्छा आप लोग देख सकते हैं नवनिर्मित सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये वासुदेव OP का भवन का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है। CCTNS का इसमें अलग से कक्ष है, CCTV जो सर्वेलेंस कैमरा के लिए कक्ष, आगंतुकों के लिए एकदम आधुनिक सुविधाएं हैं, महिला और पुरुष के लिए बैरक है, यहां तक कि दिव्यांगजनों के लिए भी शौचालय की सुविधा दी गई है। तमाम जो आधुनिक सुविधाएं संभव है वो सभी दी गई है और मुझे लगता है कि ज़िले का ऐसा पहला ये थाना है, मुझे लगता है बिहार राज्य में भी संभवतः ऐसे थाने कम ही होंगे। उम्मीद है कि अब पुलिस प्रशासन और बेहतर तरीके से जो है अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। ठीक है, थाने का उद्घाटन है वासुदेवा OP का ये नया भवन बना है और इसका उद्घाटन किया गया है औपचारिक तौर पर। पूर्व में ये एक भवन में चल रहा था, छोटा भवन था तो वहाँ काफ़ी दिक्कतें थी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं था। अब ये नया भवन बना है, अभी अच्छा भवन और आज से यहाँ पे सब लोग काम हो रहे हैं। नए भवन में सर पुलिसिंग और बेहतर हो पाएगी सर? बेहतर है, जब पदाधिकारियों को पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधा मिलेगी तो जरूर उनके परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अभी भी सर कुछ थाना वंचित है जिनका अपना भवन नहीं होता है? ज़िले में जितने भी थाने हैं जिसमें भवन नहीं है सबकी ज़मीन चिन्हित कर ली है, कई जगह काम चल रहा है, कई जगह काम शुरू हो जाएगा। पुलिस पब्लिक बीच मित्रतावत संबंध स्थापित हो, इसके बारे में क्या कहना? मेरे ख्याल से ये मित्र संबंध है जो हम लोग का इंटरेक्शन होता रहता है समय समय पर, तो संबंध तो है और इसको बेहतर कराने करने की कोशिश करेंगे। सर बगेन में आपका नया भवन बन रहा है, कब तक वो तैयार होने की संभावना है? जल्दी हो जाएगा, उसमें भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक सेकंड सर, थोड़ा किनारे हो जाइए।
अच्छे ढंग से मेंटेन करके Yes, sir.